नोट कर लीजिए, अगला जो है एंगुलर, ये इट प्लेसेस एंगल बिटवीन टू लाइंस और एन आर्क, दो या तो लाइन हो या फिर एक आर्क हो। इसे नेक्स्ट हम इसमें करेंगे रेडियस। रेडियस की शॉर्ट फॉर्म डी आर ए होती है। जब आप इसमें से, अच्छा इसमें एक आर्क लेंथ और रह गया, वो मैंने उसमें नहीं लिखा, मिस हो गया वहां पे, आर्क लेंथ और ले लें इसमें से। ये आपने लाइन को तो डायमेंशन करना सीख लिया, पेपर हो या स्ट्रेट हो, पर अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां पर अगर आप देख रहे हैं एक राउंड ऑब्जेक्ट है ना, इसकी लंबाई आपको बोला जाए लगाने को, तो ये डायमेंशन जो हमने सीखा है उससे तो हो नहीं पाएगा लीनियर एलाइन से। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन दी गई जिसका नाम है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ में जाहिर सी बात है आप आर्क को सिलेक्ट करोगे, जैसे आप आर्क को सिलेक्ट करेंगे ये आर्क की लंबाई बताएगा पूरी गोलाई में, ठीक है। देख रहे हैं आप ये जो डायमेंशन के आगे छोटा सा आर्क का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आर्क की लंबाई है गोलाई में, ठीक। अगर आप इसमें फुल देना चाहते हो तो ये मैंने लगा दी, फुल आ गई, और अगर आप इसको पार्शियल देना चाहते थे तो हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे एक जगह पार्शियल भी लिखा हुआ है। पार्शियल में क्या है कि आप जहाँ से जहाँ तक देना चाहते हो, मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक चाहता था, तो हमने सिर्फ उतना हिस्सा कवर किया और वो उतने हिस्से के अंदर ही आ गया, ठीक है जी। यस ओके, तो ये था आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो है इट यूज फॉर प्लेसिंग लेंथ ऑन आर्क्स, लेंथ डायमेंशन फॉर आर्क। से नेक्स्ट, अच्छा इसकी शॉर्ट फॉर्म है डी ए आर। वैसे कमांड के शॉर्टकट जानने बहुत आसान है, डी फॉर डायमेंशन तो है सबके आगे लगेगा, शुरू के जो पहले दो अल्फाबेट से एल आई जोड़ दिया लीनियर के लिए, ए एन जोड़ दिया एलाइन के लिए, ए एन जोड़ दिया एंगुलर के लिए, डी ए एन, तो इसी तरह से आर्क लेंथ का तो डी ए आर हो जाएगा ना फिर। तो आसान तरीका है इसको समझने का। इससे अगला हम रेडियस कर रहे थे, तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी डी आर ए, यहां से हमने लिया रेडियस, इसी का सिलेक्ट करो आर के सर्कल, आपने जिस भी आर के सर्कल को सिलेक्ट करा इसका रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये देखिए इसके आगे आर लिखा मिलेगा आपको, इससे पता लग रहा है कि ये रेडियस है, मैंने क्लिक करा रेडियस आ गया। अगर हम रेडियस को बाहर लेते हैं तो ये देखो आप बीच में ग्रीन कलर का पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, ये इसका सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, मतलब इसने हाईलाइट कर दिया इसका सेंटर की यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पर ये देखो आर्क है, अगर मैंने यहाँ पे फिर यहाँ पे भी मैंने रेडियस दिया सिलेक्ट करा, इसको रेडियस लगाया यहाँ पे ऐसे, ये देखो तो अब की बार यहाँ तो ग्रीन पॉइंट नहीं आया ना, मतलब जब हम बाहर लगाते हैं तो ग्रीन पॉइंट आता है और अंदर लेते हैं तो ग्रीन पॉइंट नहीं आता, मतलब उसका सेंटर नहीं दिखाता, ठीक है। ओके इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे रेडियस के बाद डायमीटर, शॉर्ट फॉर्म डी डी आई। डी डी आई ठीक है जी, तो ये डायमीटर होता है, इसमें हम किसी आर के सर्कल को वैसे ही सिलेक्ट करेंगे जैसे रेडियस के लिए लिया था, फर्क सिर्फ ये है कि इसके आगे आपको डाया का सिंबल मिलेगा, देख रहे हो ये फाई का सिंबल जो है ये डाया का सिंबल है, ये लगा मिलेगा आपको, और कोई फर्क नहीं है। नीचे आने वाले ऑप्शन वही एम टेक्स टेक्स एंगल है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसे अगला जो हम सीखेंगे उसका नाम है जॉब, बताऊंगा आपको मैं पहले जॉब, तो बेसिकली जॉब का इस यूज हम लगाने रेडियस लगाने के लिए ही करते हैं। यहां से मैंने ले लिया जॉब,
सिलेक्ट आर को सर्कल, हमने यहाँ से आर के सर्कल को सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए इसमें का सेंटर लोकेशन बताओ। सेंटर का मतलब जरूरी नहीं कि हम इसका सेंटर ही लें, हम सेंटर कहीं भी ले सकते हैं, ये मैंने सेंटर ले लिया। फिर इसने कहा आपसे डायमेंशन लाइन लोकेशन बताओ, ये जो देख रहे हो आप रेड कलर में डायमेंशन लाइन है ये कैसे रखनी है आपने, मैंने ले लिया। फिर इसने कहा जॉब लोकेशन, ये जो जेड दिखाई दे रहा है ना आपको बीच में जेड बनता हुआ, इसको जिसको मैं आगे पीछे कर रहा हूँ इसे हम जॉब कहते हैं, इसको मैंने जहाँ लगाना था मैंने वहाँ पे जाके इसको पोजीशन कर दिया। बेसिकली दिखाएगा तो रेडियस ही, मगर रेडियस को दिखाने का एक अलग स्टाइल है, एक अलग तरीका है, वो है जॉब। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें जॉब भी लगा सकते हैं। ठीक, ये है जॉब डायमेंशन। इससे अगला जो हम करेंगे वो है ऑर्डिनेट डायमेंशन। ऑर्डिनेट डायमेंशन ठीक, यहां पर आप देखो कि आपको याद है हमने यूटिलिटीज में सीखा था एक कमांड था आईडी पॉइंट। आईडी पॉइंट में क्या होता था, जिस भी पॉइंट को हम सिलेक्ट करते थे, जैसे सेंटर पॉइंट है ना सर्कल का, मैंने इसको जाके सिलेक्ट करा तो ये क्या करता था, यहां पर ये हमको इसकी कोऑर्डिनेट्स दिखाता था। देखो एक्स और वाई दिखा रहा ना, 0 0 से इसकी पोजिशन दिखाता था ऐसे। अगर ये पोजिशन आपको बोला जाए कि डायमेंशन लगा के यहाँ शो भी करनी है, मतलब यहाँ भी दिखाई जाइए, वो कलिका को नीचे भेजो क्लास के लिए। और अनुन इस टाइम कैसे आ गया देखो, यहाँ पर आपने देखा कि मुझको वो लगा कि यहाँ इसकी डायमेंशन वो दो, मतलब जो पॉइंट्स आपने यहाँ चेक किए थे अभी वो यहाँ लगा के दिखाने भी है डायमेंशन में। तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डिनेट डायमेंशन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DOR। जिस भी पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे ये आपको डायमेंशन दिखाएगा, ये रही हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये देख रहे हैं आप, ये आ रही है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और ये वर्टिकल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है ना, ये दोनों में चेंज कर रहा है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो 5.2 वाली, ये वैल्यू है वाई की, इसमें उल्टा होता है, ये एक्स नहीं होता ये वाई है और ये एक्स की वैल्यू है। ये जो 2.4 देख रहे हो एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। नीचे आप देख रहे हो एक्स डेटम वाई डेटम लिखा आ रहा है, जो डायमेंशन हमें देनी है वो हम यहाँ पे डायमेंशन को लेकर लगा देंगे। अगर आप चाहते हो मुझे एक्स ही देखना है तो आप यहाँ पे एक्स डेटम पे क्लिक कर दो, ये आपको एक्स की वैल्यू दिखाएगा, वाई की दिखाएगा ही नहीं। ये देखो इसी तरीके से यहाँ से मैंने अगर वाई डेटम ले लिया तो ये मुझे वाई की दिखाएगा एक्स की दिखाएगा नहीं। ये देखो अब क्लियर हो रहा है एक्स और वाई कौन सी है ना। तो जब हमने यहाँ से आईडी वाला कमांड लेके इस पॉइंट को सिलेक्ट करा था तब भी उसने यही पॉइंट दिखाए थे, देखो 2.46 और 5.20। इसी चीज को अगर हमें डायमेंशन फॉर्म में दिखाना हो तो हम उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कमांड अब इसमें करेंगे कंटिन्यू डायमेंशन। कंटिन्यू हमें कोई ड्राइंग मिली बनाने के लिए, उस ड्राइंग में आपको बोला गया था कि सभी डायमेंशन को सीधा लगाना है एक ही लाइन में। मैंने लीनियर का यूज किया और लगाया अपने आप से तो एक लाइन पे तो नहीं आ पाई, ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई, इस तरह से बन गया कुछ। मुझे बोला गया था कि सीधी लगानी है एक ही लाइन में स्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए हम यूज करते हैं कमांड कॉन्टिन्यू का। कॉन्टिन्यू, ये कॉन्टिन्यू आपको यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BCO, ये हमें एनोटेट में जाके मिलता है, एनोटेट में ये रहा कॉन्टिन्यू, ठीक है। तो कॉन्टिन्यू डायमेंशन को यूज करने के लिए हमारे पास पहले से एक डायमेंशन का होना जरूरी है। तो मैंने क्या किया,
देखो ये सब डायमेंशन यहां पे भी दिखा रहा है। मैंने क्या किया कि पहले एक डायमेंशन लगा ली, किसी भी तरीके से यूज कर लगा लो आप, डायमेंशन लीनियर हो कोई भी हो, मैंने एक डायमेंशन लगा ली। तो ये जो डायमेंशन आपने बनाई ये हमारी बेस डायमेंशन का काम करेगी। इसको लगाने के बाद इंस्टेंटली मैंने कॉन्टिन्यू डायमेंशन पे क्लिक कर दिया। जैसे आपने इस पर क्लिक करा तो आपने देखा डायमेंशन तो आनी शुरू हो गई मगर ये कुछ गलत पॉइंट से आ रही है। आप क्या करो, एंटर कर दो, ये आपसे कहता है सिलेक्ट कॉन्टिन्यू डायमेंशन। ये फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन होती है और ये सेकंड एक्सटेंशन लाइन होती है। आपने क्या करना है, सेकंड एक्सटेंशन लाइन पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये उसके आगे कॉन्टिन्यूशन में आपको डायमेंशन देगा, आप पॉइंट लेते जाओ और डायमेंशन लगती जाएगी। देखा आपने, तो हमने क्या किया, दोबारा से देखो, एक तो मैंने बेस डायमेंशन लगा दी, फिर हमने कॉन्टिन्यू डायमेंशन दिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म डीसी होती है। इसने जब आपसे कहा सिलेक्ट कॉन्टिन्यू डायमेंशन तो आपने इस पर क्लिक नहीं करना, सेकंड एक्सटेंशन लाइन पे जाके क्लिक करना है और उसके आगे जो जो पॉइंट आपको चाहिए वो आप पॉइंट देते जाओ और डायमेंशन लगती जाएगी। इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यू। तो इट क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ डायमेंशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लिखना चाहें तो क्रिएट्स सीरीज ऑफ डायमेंशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे फिर हमने अगला नेक्स्ट लिया बेस डायमेंशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डी बी ए, बेस लाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है डी बी ए, ठीक है। इसने आपसे कहा सिलेक्ट बेस डायमेंशन, आपकी बार आपने क्या करना है, फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन को सिलेक्ट करना है। बेस लाइन डायमेंशन में क्या होता है कि आपको डायमेंशन मिलेगी ऐसे स्टेप फॉर्म में, देख रहे हैं आप स्टेप फॉर्म में ये स्टेप बने हुए, एक ही जगह से शुरू हो रही है डायमेंशन, इसमें फर्स्ट पॉइंट कॉमन होता है। तो जब आपने ये दिया तो आपने फर्स्ट एक्सटेंशन को सिलेक्ट करना है इसको, इसके बाद आप आगे पॉइंट सिलेक्ट करते जाइए। देखा आपने, सभी के बीच में डायमेंशन आ गई, स्टेप फॉर्म में आ गई और इक्वल स्पेसिंग के साथ में आ गई। ये जो बीच का गैप होता है इसे हम बेसलाइन स्पेसिंग कहते हैं, इसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, हम इसको अपने हिसाब से ज्यादा या कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बेसलाइन डायमेंशन। ओके, तो आपको मैंने आज इस सभी तरह के डायमेंशन कराई, 10 करवाई है, इसमें आर्क लेंथ वाली इसमें नहीं लिखी हुई, तो मैंने आपको 10 तरह के डायमेंशन कराई है। अभी डायमेंशन को पहले प्रैक्टिस करना है, फिर आपको उसको अपनी ड्राइंग में अप्लाई भी करना है। तो जो ड्राइंग आप बना रहे हो वो धीरे धीरे पूरी होती नजर आनी चाहिए। आपने हैचिंग सीख लिया, कलर सीख लिया, डायमेंशन सीख लिया, अगली क्लास में टेक्स्ट का टॉपिक कराऊंगा तो वो करेंगे इसको, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।